अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा पड़ा है। इसी बीच भाजपा के नेता वरुण गांधी ने अग्निवीरों की पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करके बोला है, क्या अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है? जनप्रतिनिधियों को इतनी सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो मैं अपनी पेंशन छोड़ रहा हूँ। विधायक सांसद छोड़ सकते हैं? वरुण गांधी ने यह सवाल पहले भी उठाया था। कुछ समय पहले वरुण गांधी ने कहा था, जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरे देश का सपना टूट जाता है। क्या 4 साल बाद अग्निवीरों को पेंशन मिलेगी? मेरा मानना है कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज़ न सुनी जाए तब तक कोई भी कानून निर्माण न हो। किसान जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे तो खालिस्तानी, अब युवा सेना में बहाली को लेकर सड़क पर आए तो जिहादी। देशभक्त युवा माँ भारती की सेवा का भाव मन में लिए घूमते हैं और बीजेपी सरकार इनको जिहादी कह रही है। आखिर में वरुण गांधी ने कहा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। ये अग्निपथ जो योजना है इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी हैं। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाएं, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे।